उधर गाजियाबाद में अजय शर्मा की मनमानी चरम पर है। खुद को बीजेपी का मुखिया समझते हैं अजय शर्मा। व्यापारियों ने बीजेपी महानगर अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला। अजय शर्मा के खिलाफ व्यापारियों का हल्ला बोल। व्यापारियों ने घंटाघर पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। रामलीला ग्राउंड में पैट बाजार लगवाने के खिलाफ किया प्रदर्शन। व्यापारियों ने अजय शर्मा पर लगाया रिश्वतखोरी के आरोप। पैसे लेकर रामलीला मैदान में बाजार लगवाते हैं अजय शर्मा। संगठन और कार्यकर्ताओं को जूते की नोक पर रखता है अजय शर्मा। अजय शर्मा की दलाली ऐसी चलती रहेगी। अपने ऊपर पड़ी थी तो उसने पुलिस वालों को धमकाना चालू करा कि तेरा यहाँ से ट्रांसफर करा दूंगा, ये करा दूंगा। और हमारे लिए उसने बोल दिया कि रामलीगढ़ में आप बाजार लगाओ। यहाँ व्यापारी है, कोई चोर है कोई? हम जीएसटी भरे, इनकम टैक्स भी भरे, सेल टैक्स भी भरे, लड़कों के एम्प्लॉई को तनख्वाह भी दे, बिजली का बिल भी भरे, उसके बाद हम चोर है? ये प्रशासन किस बात का काम कर रहा है? आज हम बैठे पैठ बाजार जो है, पैठ बाजार नहीं लगने देंगे, उस विचार उस विषय में बैठे हैं। हमारे कुछ नेता जो पैठ बाजार लगवाना चाहते हैं, जो पैसे के लालच में बिक चुके हैं, व्यापारियों के पेट में लात मार रहे हैं, व्यापारियों के पीठ में छुरा घोप रहे हैं। हमें ये अजय शर्मा जी है जो महानगर अध्यक्ष बीजेपी के हैं, इन्होंने अपने अपने पैसे कमाने के लिए और हमें व्यापारियों के पेट में लात मारने के लिए इन्होंने पैठ बाजार यहाँ पर ट्रांसफर करा दिया है।